हेलो जी, कैसे हो आप सब? सबको मेरे नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। सबका करवा चौथ का व्रत हो गया होगा, बहुत बढ़िया हुआ होगा। और ये आज मैं पतरौड़े की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैंने पतरौड़े के पत्ते लिए हैं, इनकी जो मैंने धो के ऊपर से जो मोटी मोटी डंडी है ना, पतली चाकू से पतला करके इसको हम काट लेंगे, ताकि हमें ये अच्छे से इसमें वो ना बराबर से पत्ते फोल्ड हो जाएं। ये मोटी डंडी रहेगी तो पत्ते फोल्ड करने में मुश्किल होती है। सब पत्तों की मैं ऐसे डंडी निकाल लूँ, जिधर से आपको मोटा लगेगा आप वहाँ से इसको चाकू की मदद से इसको काट लीजिए। ये ऊपर वाला मोटी डंडी है, और थोड़ा सा बेलन से हम इसको प्रेस कर लेंगे जो मोटा डंडी है। ये वाली रेसिपी मेरी बहुत लेट आ रही है, सबकी रेसिपी ये वाली पहले आ चुकी है, थोड़ा लेट आई है ये रेसिपी। इसको हम ऐसे बेलन से थोड़ा बेल लेंगे ऐसे, ताकि ये मोटी जो थोड़ी सी और रही है वो प्रेस हो जाएगी अच्छे से। पत्तों को मैंने अच्छे से धो लिया है पानी से। मेरे पास 5 पत्ते हैं, मैं उससे ये बनाऊंगी। अब मैं एक बड़ी कटोरी मैंने बेसन लिया है, एक बड़ा वाला मैंने बाउल ले लिया है, उसमें हम बेसन डालेंगे। इसमें हम बड़ी वाली कटोरी मैंने, आप जितने पत्ते बनाओगे उस हिसाब से आप बेसन की स्टफिंग तैयार कर लीजिए। इसमें मैंने बेसन डाल दिया है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें हरी मिर्ची और लहसुन अदरक कूट के आप इसको डाल सकते हैं इसमें। यह इससे भी टेस्ट अच्छा आता है, जो कूट के डालेंगे उससे तो और भी बढ़िया आता है। ये मैं इसमें, उसमें कम था एक पाउच मैंने छोटा और 5 रुपये वाला डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। हींग डाल दी है मैंने, थोड़ी सी ये कुटी हुई मोटी मिर्च डालेंगे। इसमें हम मसाले ऐड करेंगे बेसन में। ये मैंने जीरे वाला काला नमक पीस के रखा हुआ था छाछ के लिए, वो वाला मैंने चम्मच इसमें डाला है। नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और ये गरम मसाला डाला है मैंने इसमें, और ये थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी मैं इसमें। अब हल्दी डालेंगे थोड़ी सी। ये सब मसाले मैंने डाल दिए। ये मैं हमारा घर का आमचूर मसाला है, वो देसी जो घर पे बनाते हैं ना, वो वाला आमचूर का पाउडर है। ये बहुत पुराना है पर ख़राब नहीं हुआ है, बहुत अच्छा है इसका खट्टापन। आप इसकी जगह चाट मसाला या नींबू भी ऐड कर सकते हैं, आपको जैसे खट्टा लगे वैसे आप उसी हिसाब से इसमें खटाई डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा वाला बैटर बना लेंगे, गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। पतला नहीं बनाएंगे, फिर ज़्यादा पतला बना देंगे तो बेसन हमारा पत्तों के ऊपर फैल जाएगा। ये देखिए ऐसे गाढ़ा गाढ़ा हम बेसन तैयार कर लेंगे। एक पत्ता लेंगे, उसको उल्टा करके रखेंगे, उस पत्ते के ऊपर हम पूरे उस पर बेसन लगा देंगे। एक पत्ते के ऊपर हम अच्छे से पूरे बेसन की स्टफिंग कर देंगे। ये देखिए ऐसे हम इसके ऊपर रख देंगे, कर देंगे बेसन की स्टफिंग। और एक दूसरा पत्ता लेंगे, उसको भी हम इसके ऊपर रखेंगे। एक की साइड हम अंदर की साइड करेंगे, एक ऊपर की साइड करेंगे, मोटी वाली जो डंडी होती है इसके इसके ऊपर भी हम बेसन लगाएंगे अच्छे से। बेसन हम पूरे पत्ते पे अच्छे से फैला के लगाएंगे, तो ही हमें बाद में इसके जब बनेंगे तो इसका टेस्ट आएगा। ये देखिए अच्छे से मैंने पूरे पत्ते के ऊपर स्टफिंग कर दिया है इस बेसन की, अच्छे से हम इसको कर देंगे। आपको जितने पत्ते का बनाना है आप उतने पत्ते इसमें लगा सकते हैं, जैसे मोटा पतला आपको बनाना है आप ऐसे इसको बना सकते हैं। देखिए मैंने 2 पत्ते को पहले बनाया है, बड़े थे ये 2 पत्ते, ये देखिए मैंने 2। अब इसको हम अंदर को फोल्ड कर लेंगे, इसके ऊपर भी हम बेसन लगा देंगे अच्छे से। ये पूरे पत्ते पे ऊपर अच्छे से बेसन लगा देंगे, इसको बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ से भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर भी हम ऐसे बेसन लगा देंगे, अंदर को फोल्ड करेंगे वो भी फोल्ड करके। अब हम इसको भी फोल्ड कर दिया, इसके ऊपर भी हम बेसन लगा देंगे। मैंने नीचे सेल्फ को अच्छे से साफ कर दिया है, उसके ऊपर फिर पत्ते रख के बना रही हूँ, इसके ऊपर भी बेसन लगा देंगे हम अच्छे से। ये देखो मैंने पूरे पत्ते के ऊपर अच्छे से लगा दिया है। मैंने अच्छे से दिखाया है आपको कैसे लगाया है, आप भी ऐसे लगाना। और हम इसको अब फोल्ड करेंगे, ये देखिए इसको धीरे धीरे हम अंदर की तरफ रोल करते जाएंगे। ये देखो जैसे मैं रोल कर रही हूँ ऐसे हम धीरे धीरे रोल करते जाएंगे, एक रोल जैसे हम इसको बना लेंगे।
ये सब पत्ते को अच्छे से रोल कर लेंगे हम। अभी हमें बेसन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर जिधर थोड़ा सा कम लगेगा आपको खाली लगेगा तो आप लगा दीजिए। देखिए मैं अच्छे से फोल्ड कर दूँगी, ये देखिए ऐसे है मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसके हम ऊपर धागा लगाते हैं, बांधते हैं। मैं इसको एक ऊपर लौंग लगा दूँगी, जिधर से हमारे पत्ते खुले ना वहाँ पे हम लौंग की स्टिक लगा देंगे अच्छे से। जब ये बॉयल होगा, स्टीम होगा ना ये, तो इसकी लौंग की साथ में खुशबू भी बहुत बढ़िया आती है। ये देखो ऐसे हम जिधर पत्ते हमारे खुले ना वहाँ पे हम दो तीन लौंग अच्छे से लगा देंगे सब में इसके अंदर। फिर बाद में जब स्टीम हो जाएगा तब हम इसको निकाल देंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है जब ये स्टीम होता है लौंग के साथ। तो ये देखो सब में लगा दिया मैंने, ये देखो अब ये खुलेगा नहीं, अब ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। इसको हम ऐसे स्टीम करने के लिए रख सकते हैं। मैंने पानी गर्म करने रख दिया है, मेरे पांच पत्तों के दो पतरौड़े बने हैं। पानी हमारा बॉयल हो गया, मैंने छन्नी उसके अंदर रख दी है, पानी मैंने कम ही डाला है। अब इसको हम 20-25 मिनट के लिए स्टीम करेंगे ढक के थोड़ी देर। अब हम इसको अब देख लेंगे, अगर हमारा हम टूथपिक या चाकू कुछ डाल के देखेंगे, अगर इसमें थोड़ा सा कुछ भी बेसन का बैटर आया तो अभी अंदर से ये कच्चा है, ये तैयार हो गया है। अब इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही ढक के रख दूँगी, पलट दूँगी अगर एक साइड से, फिर मैं इसको ढक दूँगी थोड़ी देर। अगर कुछ रहेगा तो वो थोड़ा सा स्टीम से हो जाएगा अच्छे से। देखो अब इसको फिर से ढक दूँगी मैं थोड़ी देर के लिए, इसमें अभी गर्म स्टीम है ना। ये देखिए मैंने निकाल लिए और ठंडे हो गए। अब इसमें जो लौंग लगे हैं वो निकाल देंगे हम, इसको सारे लौंग निकाल के हम साइड में रख देंगे। मैं एक एक करके निकाल रही हूँ इसमें कहाँ लगाए हैं मैंने। अब इसको हम पतला पतला करके काट लेंगे, फ्राई करने में हमें इजी रहेगा। फ्राई आप इसमें इसको मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में भी कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में भी, देसी घी में भी कर सकते हैं। देसी घी में करेंगे तो और बढ़िया टेस्ट आएगा। ये देखिए ऐसे पतले पतले हम इसको काट लेंगे के, ताकि हमारा फ्राई होने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे। मैंने पहले ही तेल गर्म करने रख दिया है, तवा गर्म हो गया है हमारा। अब इसको हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, दोनों तरफ से हम इसको पलटी करके सेक लेंगे, हल ब्राउन करके इसको कर लेंगे दोनों साइड से। ये बनते बहुत बढ़िया है, और आप जब बेसन बनाए तो उसमें आप थोड़ा सा चखे देख सकते हैं, अगर नमक मिर्ची कम हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और इसकी ना तासीर गर्म होती है, इसको दही या ग्रीन चटनी या छाछ के साथ, लस्सी के साथ खाते हैं। ये देखिए तैयार है हमारे पतरौड़े, मैंने इसको अच्छे से कुरकुरा करके फ्राई किया है। मैंने ग्रीन चटनी और दही के साथ इसको सर्व किया है, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो आप इसको दही और छाछ के साथ भी ले सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ भी। कुछ लोग तो देसी घी में भी डिप करके इसको खाते हैं। तैयार है हमारे गर्मा गर्म पतरौड़े। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके यहाँ इसको पतरौड़े बोलते हैं या कुछ और इसका नाम है? तैयार है हमारे अरबी के पत्तों के पतरौड़े। थैंक यू।